आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं। आप सभी के मन में जो एक शंका चल रहा था, या यूं कहें कि आप कन्फर्म नहीं हो पा रहे थे, और सभी लोग चारों ओर से आवाज़ आ रही थी, सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसको जारी किया है। इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। आप देख सकते हैं, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड TET एग्ज़ाम 2024 इन्फॉर्मेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलने का मतलब यही है कि अब आप सबों को कमर कस लेना है और तैयारी आपको प्रारंभ कर देनी है, ठीक है? तो ये अधिसूचना, जो वास्तविक अधिसूचना है, ये 15/6/2024 को ही जब सब विधानसभा में जब सारा चीज़ पारित हुआ, उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकला। तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो है ये सारी चीज़ें दी गई। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि 15/6/2024 का है, ठीक है? हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है? सिलेबस देखिए, हम लोग का सबसे नीचे है, संशोधित सिलेबस भी है। पहले क्या था, कितने मार्क्स का था, अभी क्या है और कितने मार्क्स का है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन सबों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है? चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों का क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, ठीक? ये बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में क्या है, ध्यान देंगे तो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 20 है, और पूर्णांक 20, मतलब ये पहले की बात की जा रही है। अब जो है संशोधित वाले में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30 मार्क्स की, पूर्णांक भी कितना 30, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 एक मार्क्स का होगा, टोटल 30 नंबर का है। यहाँ देखिए, ये सहायक शिक्षक यानी भाषा 1, ये पहले हुआ करता था 40 मार्क्स का, अब ये कितने मार्क्स का है, ये है अब 30 मार्क्स का, है ना? तो ये भी एक मार्क्स का है, ठीक? और यहाँ देखिए, सहायक आचार्य या विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हिंदी एवं अंग्रेजी 15 प्रश्न, एवं अंग्रेजी के हिंदी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न, ठीक है? और क्या है, सहायक आचार्य उर्दू एवं अंग्रेजी, यानी जिसका हिंदी नहीं है उनको उर्दू के लिए 15 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न की जरूरत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं क्षेत्रीय समजातीय भाषा की भी बात की गई है। तो क्षेत्रीय भाषा जो है, तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा, जैसे खोरठा वगैरह होता है ना, वो सब लैंग्वेज। फिर गणित जो है आपका पहले कितना था, तो पहले था गणित आपका कितना, तो गणित था पहले 50 मार्क्स का, अब गणित कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का। और पर्यावरण अध्ययन जिसको हम लोग EVS कहते हैं, ये पहले 50 मार्क्स का था, अब ये हो गया 30-30 मार्क्स का, तो कुल मिलाकर के 150 मार्क्स का। मान के चलिए कि ये CTET का ही पैटर्न यहाँ पर लाया गया है, ठीक है? उसके बाद देखिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये हम लोग का क्या है, 6 to 8 के लिए। देखिए इसमें क्या, पहले क्या था अभी क्या है, तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, ये सामान्य शिक्षक, ये बाल विकास जो था 20 नंबर का था, और ये जो था बहुविकल्पीय प्रश्न जो था वो 30 मार्क्स का था, ठीक है? कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का था। फिर सामान्य शिक्षक यानी हिंदी अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत के लिए 20 प्रश्न, अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न, ये 40 मार्क्स का था, 20-20 मार्क्स का। अब ये चेंज हो गया 15-15 मार्क्स, यानी कि ये कुल मिला कितने मार्क्स का हो गया, तो कुल मिला करके ये हो गया 30 मार्क्स का, ठीक है? और जो उर्दू शिक्षक हैं उनका उर्दू और अंग्रेजी हो जाएगा 15-15 मार्क्स का। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है बंधु लोग, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद देखिएगा, भाषा 2 यानी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा की बात करते हैं, पहले 40 था, अब कितना हो गया, अब हो गया 30 मार्क्स का, ठीक है? उसके बाद देखिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक की बात जब करेंगे, तो पहले देखिए कितना असंभव था, 150-150 मार्क्स का पॉसिबल था, कभी पॉसिबल नहीं था।
अब नए में क्या किया गया इसको, तो नए में इसको 60-60 नंबर का बना दिया गया, 60-60 मार्क्स का। सामाजिक अध्ययन पहले था कितने मार्क्स का, 150 मार्क्स का, अब कितने मार्क्स का है, तो अब है ये 60 मार्क्स का, है ना। सामाजिक अध्ययन कितने मार्क्स हो गए, 60 मार्क्स का। और भाषा शिक्षक जो होते थे तो अंग्रेजी 75, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अन्य संबंधित भाषा 75, यानी 150 मार्क्स का ये था। तो कुल मिला के पहले एग्जाम कितना था, 250 मार्क्स का, पॉसिबल था इतना सब मार्क्स को 3 घंटे में कवर करना। और इधर देख लीजिए, ये अब हो गया कितना, तो 60-60 मार्क्स का कुल मिला करके, 150 मार्क्स का 1 to 5, 150 मार्क्स का 6 to 8। वो तो नोटिफिकेशन था, ये आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं सारा चीज। देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है, ये सिलेबस 2022 में जब तैयार किया गया ये 20 मार्क्स का था, और न्यू यानी कि 2024 का जो अब है वो 30 मार्क्स का है, एक मार्क्स वाला, ये 30 अंक का है, ठीक है। भाषा एक, ये 40 क्वेश्चन पहले था 40 मार्क्स का, अब 30 क्वेश्चन है ना, 30 मार्क्स का। भाषा टू, अब भाषा में उर्दू लीजिए, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लीजिए, या हिंदी लीजिए, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लीजिए, ये 40 मार्क्स का, फिर ये 30 और ये भी 30 मार्क्स का। अंक शास्त्र कितने मार्क्स का, तो 50 का पहले था, अब हो गया कितना, 30 मार्क्स का। और पर्यावरण अध्ययन जिसको हम लोग EVS कहते हैं, ये था पहले 50 और ये हो गया 30, और इधर भी क्या हो गया, 30 हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताएं आप, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स का हो गया। पेपर टू भी देख लीजिए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए बाल विकास सेम जो उसमें था वही इसमें 30 मार्क्स का। भाषा 1 30 मार्क्स का, भाषा 2 30 मार्क्स का, गणित विज्ञान या आचार्य ये 60 मार्क्स का, समाज अध्ययन आचार्य ये 60 मार्क्स का, और भाषा शिक्षक यदि कोई है भाषा शिक्षक, ठीक है, तो वो जो है उनका 60 मार्क्स का भी, ठीक है। हाँ, कोई एक ही, हाँ, ये तो सर्वविदित बात है कि आप या तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बन सकते हैं, या भाषा शिक्षक बन सकते हैं, या गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। तीन स्ट्रीम आपके लिए है, ठीक है, और तीनों से ही जो है आपके लिए क्या आएगा, तो 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है। झारखंड TET एग्जाम 2024 पोर्टल है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक किए, अब देखिए क्या है आपके सामने में, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JHTET 2024, रजिस्टर नाउ करना है पहले, तब आपका लॉगिन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, आपको देख सकते हैं कि ये आई हैव रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे, और सबमिट जब करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट आप शो कर देंगे, फादर्स नेम शो कर देंगे, और मदर्स नेम को भी शो कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाना है, आपकी कैटेगरी आपको शो करनी है, और यदि दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिव्यांग है कि आप क्या है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो मेल या फीमेल, रिलीजन में आप कोई भी हो, भारत के निवासी हो तो चलेगा। नेशनलिटी देखिए यहाँ पर इंडियन है, इससे ये पता चलता है कि भारत के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, निवासी हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ आधार नंबर आपको देना है, फिर आपको मोबाइल नंबर आपका फिलअप करना है, ईमेल आईडी देना है, और आपको पुख्ता प्रमाण अब देने जा रहे हैं, ठीक है, कि देखिए परमानेंट एड्रेस झारखंड आउट ऑफ झारखंड, सबसे बड़ा सबूत यही हो गया कि आउट ऑफ झारखंड यानी झारखंड के बाहर के भी लोग, बिहार के हों, बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश के हों, जम्मू कश्मीर के हों, कहीं के भी हों, इट डजेंट मैटर, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सबूत, यह स्टेट पर जब क्लिक करिएगा, देखिए भारतवर्ष के जितने भी स्टेट हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। तो ये इस चीज़ को बताने के लिए काफ़ी है दोस्तों, कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आप झारखंड टीचर को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बेहद क्लियर है, बेहद स्पष्ट है, तो इसमें कोई शक शंका वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है।
आज हम जो है टॉपिक वन को कवर करेंगे जिसका नाम है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों आपको पता है कि बाल विकास की जानकारी क्यों होनी चाहिए एक शिक्षक को, क्योंकि यदि आप शिक्षक बन रहे हैं, यदि आप शिक्षा प्रदान करने वाले बन रहे हैं, यदि आपको बच्चों का भविष्य संवारना है तो आपको बच्चों के बारे में जानना होगा कि बच्चों का विकास जो है वो किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, यह आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये सारी बातें पता हो गई तो आप यकीन मानिए कि आप उस बच्चे को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं, आप एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, है ना। शिक्षक का मतलब क्या कि जो बेहतरीन मार्गदर्शन कर सके, जो बच्चों को अपग्रेड कर सके, अपलिफ्ट कर सके। और याद रखिएगा कि जब आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो साथियों आपके सामने जो बच्चे होते हैं वो गरीब वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं और आपको उन्हें बेहद ईमानदारी के साथ पढ़ाना है। आप उनको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप एक कलाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक विवेकानंद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है एक महात्मा गांधी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महात्मा गांधी को भी किसी शिक्षक ने ही महात्मा गांधी बनाया, है ना। सुभाष चंद्र बोस को किसी शिक्षक ने ही सुभाष चंद्र बोस बनाया और अब्दुल कलाम को भी किसी शिक्षक ने ही अब्दुल कलाम बनाया। आज हमारा भारत जो है सुरक्षित है, क्यों? क्योंकि उनको फादर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आज ब्रह्मोस देख लीजिए, बड़े बड़े मिसाइल देख लीजिए, तो ये भारत की रक्षा को तैनात है। किनकी बदौलत? एपीजे कलाम की बदौलत। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे तो उनमें किनकी भूमिका थी? आप कभी पढ़िएगा उनका द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, उनकी आत्मकथा का नाम है द विंग्स ऑफ फायर। आप जब पढ़िएगा उसमें पता चलेगा कि उनके जो साइंस के शिक्षक थे उनका नाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर था। उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि तुम जाओ रामेश्वरम में जा कर के तुम शिक्षा, रामेश्वरम के बाहर रामनाथपुरम में जा कर के तुम शिक्षा ग्रहण करो। और वो हेडक्वार्टर गए और हेडक्वार्टर जो था वहाँ पर जाकर के उन्होंने पढ़ाई करी और शिक्षक के बदौलत जो है वो वैज्ञानिक बने। आज आप कुछ भी हैं, आप अगर किसी से सौदेबाजी भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ, आप किसी से दुलान इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो उसके पीछे किसी शिक्षक की भूमिका रही होगी, एक ऐसे मेंटोर की भूमिका जिन्होंने आपके जीवन को संवारा सजाया। तो साथियों आज हम लोग जो क्लास का प्रारंभ करेंगे वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के साथ प्रारंभ करेंगे, टॉपिक वन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बेहद पसंद आएगा और इसका एक एक लाइन को चबा के पढ़ना। आप चबा के खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है बढ़िया से, चबा के पढ़ेंगे तो दिमाग में जाएगा बढ़िया से। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, काफ़ी समय है आपके पास, धीरे धीरे चलेंगे, स्थिर होके चलेंगे, लेकिन एक एक चीज को पढ़ेंगे, आपके एग्जाम से वो मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज का जो हम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं वो बाल विकास के साथ, जिसको CDP कहते हैं, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बंधु। सबसे पहला लाइन आपके समक्ष प्रस्तुत है कि बाल विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है ये कि बाल विकास जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक इंसान में अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं बंधु, है ना, बदलाव आते हैं। जैसे शारीरिक बदलाव आते हैं, मानसिक बदलाव आते हैं और सामाजिक बदलाव आते हैं। शारीरिक बदलाव का अर्थ तो आप समझते होंगे कि जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो बहुत कम वजन होता है हम लोग का, फिर थोड़े बड़े होते हैं थोड़ा वजन बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, मांसपेशियां फैलती हैं, हाइट बढ़ता है, है ना, शरीर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ में वृद्धि होता है। मानसिक तौर पर भी हम समृद्ध होते हैं, समझने लगते हैं चीज़ों को, बोलने लगते हैं, है ना, तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और सामाजिक मतलब आप समाज में रहने के लिए सीख जाते हैं,
आप सामाजिक बंधनों में बन जाते हैं, आपको समाज अच्छा लगने लगता है, आप समाज के प्रति समर्पित होते हैं, समाज आपको जानने लगता है। तो इन सभी का अध्ययन जो है बंधु वो बाल विकास कहलाता है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो माता पिता के विकास से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों के मन और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती है। बाल मनोविज्ञान न केवल बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित है बल्कि उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास से भी संबंधित है, ठीक है। आपको ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना है तो आप रांची के हमारे सेंटर पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम करते हैं बात, सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की, ठीक है। तो विकास से तात्पर्य उन जैविक, जैविक किन शब्दों से बना है बंधु, जीव से बना है जैविक, और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से है जो गर्भधारण और किशोरावस्था के अंत के बीच मनुष्य में होते हैं, क्योंकि व्यक्ति निर्भरता से बढ़ती स्वायत्तता की ओर बढ़ता है, ऑटोनोमस हो जाता है व्यक्ति, धीरे धीरे ऑटोनोमस हो जाता है, वह स्वयं से उठने लगता है, बैठने लगता है, घूमने लगता है। लेकिन जब वो छोटा बच्चा होता है तो माँ के गोद में रहता है, किसी के सहारे रहता है वो, ठीक है। तो निर्भरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और स्वायत्तता बढ़ती है। और दूसरा पॉइंट है बंधु कि पर्यावरणीय विशेषताओं के साथ सहयोग में मनुष्य की आंतरिक विशेषताओं की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि पर्यावरण की जो विशेषता है उसके साथ सहयोग में मनुष्य का जो आंतरिक, मतलब इंटरनल, भीतरी विशेषताओं की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, ठीक है बंधु। और तीसरा पॉइंट है, आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, आपको नोट्स की भी जरूरत अगर है तो आप नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स की जिनको जरूरत हो वो नोट्स ले सकते हैं बंधु लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे के पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हम लोग का है कि यह एक पैटर्न या अनुक्रम का अनुसरण करता है और प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव हो, या विकास के एक पैटर्न का अनुसरण करता है ना। कोई भी प्रजाति हो, वह पशु हो या मानव हो, इससे मैटर नहीं करता। विकास की जब बात होगी तो एक ही पैटर्न को वो फॉलो करता है बंधु। चलिए तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर पर हम लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है, निश्चित तौर पर हमें बताएंगे ये बात, ठीक, क्लियर हो गया। तो देखिएगा, जरा सा ध्यान देना है इन सब चीज़ों को बंधु। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सभी लोग जो है ना सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। आपको हर एक चीज़ जो है आपको मिलेगा, सारा सब्जेक्ट का नोट्स आपको देंगे और पर्सनल भी आप हम लोगों से बातें कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर आपको बता देते हैं, नोट कर लेंगे, 8002959525 है बंधु, है ना। इस पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा और MCQ मिलेगा बंधु, ठीक है। और आपको ये भी बता दें, आप सभी बंधुओं को हम बताना चाहें, एक बार केवल कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे आप लोग कौन कौन हैं। गुड इवनिंग कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमको भी, हमको पता लगेगा कि आप कौन महानुभाव आप लोग जुड़े हुए हैं। प्लीज़ एक बार गुड इवनिंग केवल लिख दीजिए, जितने भी लोग वॉचिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक बार गुड इवनिंग केवल लिख दीजिए। हमें इच्छा है कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन लोग हैं हम लोग से जुड़े हुए। गुड इवनिंग कह दीजिए सभी लोग। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं शिक्षक बंधु, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट का अर्थ है कि यह सामान्यकृत से स्थानीयकृत व्यवहार की ओर बढ़ता है। विकास बड़ी मांसपेशियों की हरकतों से लेकर अधिक परिष्कृत यानी छोटी मांसपेशियों की हरकतों तक होता है। विकास हर जगह होता है। और अगला पॉइंट है कि व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की अलग दरें ना तो शरीर के
सभी अंग ही समय पर विकसित होते हैं, ना ही बच्चे की मानसिक क्षमताएं पूरी तरह से विकसित होती हैं। वे अलग अलग गति से परिपक्वता स्तर प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि विकास एक जटिल घटना है। विकास के सभी पहलू एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए विकास के सभी पहलू। और हम लोग अब देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है आप सबों के लिए, निश्चित तौर पर इसको मिस नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि बाल विकास और शिक्षण सिद्धांतों की सहायता से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि बच्चों का विकास कैसे हो रहा है और वे किस स्तर पर हैं, ठीक है। सेफलो कैडल का सिद्धांत की बात करेंगे बंधु, तो इसमें विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। विकास सिर से पैर की तरफ 6 से 12 महीने के शिशु और पैरों से पहले भुजाओं का समन्वय होता है। भुजा मतलब ये भुजाओं का समन्वय। और प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत देखते हैं। प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत जो है वो केंद्र से बाहर की ओर, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर शरीर के बाहरी भागों का विकास होता है, ठीक है। फिर है सरल से जटिल का सिद्धांत की बात करेंगे, तो समस्या को हल करने के लिए बच्चे द्वारा मानसिक या बौद्धिक योग्यताओं से संबंधित कौशलों तथा मौखिक समझ से संबंधित कौशलों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बच्चे को वस्तुओं को वर्गीकृत करना सीखना है, मतलब क्लासिफाई करना है, पहचानना सीखना है, तो पतंग और हवाई जहाज उसके लिए एक ही हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो ये सरल से जटिल का सिद्धांत है। इसमें बच्चा जो है ना उसको उतनी समझ विकसित नहीं होती है, लेकिन सीखने के बाद के चरण में वे इन वस्तुओं के बीच अधिक जटिल समानताएं और अंतर समझने में सक्षम होंगे, ठीक है। फिर है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस का सिद्धांत। तो कौशलों में वृद्धि, आप देखते होंगे कि आप जब छोटे थे तो उतने कुशल नहीं थे, लेकिन बड़े होते गए कुशलता आपके अंदर आती चली गई। तो कुशल से हुआ है कौशल, तो उत्तरोत्तर जो है वो कौशलों में वृद्धि होती जाती है। संचयन या निक्षेपण निरंतर आधार पर होता रहता है। उदाहरण के लिए भाषा विकास में बच्चा बड़बड़ाकर शुरू करता है, देखता है किसी बच्चे से मम 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 करता है, कुछ बोलता रहता है वो, ठीक है, और फिर भाषा में और अधिक निपुणता प्राप्त कर लेता है वो, ठीक है। 1.5 साल का होते होते मम्मा पप्पा दादा बाबा कहने लगता है, 2-2.5 साल होते होते और उसके शब्द में वृद्धि होती है, ठीक। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत की ओर चलेंगे, तो सबसे पहले सकल बड़ी, सकल मतलब संपूर्ण बड़ी मांसपेशी मोटर गतिविधि का विकास होता है, फिर आगे बढ़कर अधिक परिष्कृत या छोटी सूक्ष्म मोटर मांसपेशी गतिविधि होती है, ठीक है। हम बात करेंगे व्यक्तिगत वृद्धि की और विकास दर का सिद्धांत की बात करेंगे, तो हर कोई अलग है इसीलिए उनकी दरें भी अलग है, ठीक है। इसीलिए औसत बच्चे जैसी कोई अवधारणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी गति के हिसाब से आगे बढ़ता है। इसीलिए हम 2 बच्चों की तुलना उनके बौद्धिक विकास या 1 बच्चे की प्रगति के आधार पर दूसरे बच्चे से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसके विकास की दर भी सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है, मतलब हर बच्चे में विकास और वृद्धि जो है ना बंधु वो अलग अलग हिसाब से होता है ना, वो डिपेंड करेगा पर्यावरणीय कारकों पर भी, वो डिपेंड करेगा सामाजिक कारकों पर भी, वो डिपेंड करेगा पारिवारिक कारणों पर भी। तो बहुत सारे रीजंस इसके पीछे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के जो आयुकाल हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि बचपन को
शैशवावस्था कहते हैं, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो चलना सीखता है। आपको सारा डिटेल्स देंगे हम कि शैशवावस्था कितने से कितने आयु तक की होती, सारी चीज़ें बताएंगे। वेट कीजिएगा, फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है ये आपके लिए। और दूसरी बात करेंगे प्रारंभिक बचपन की, जिसको हम लोग खेलने की उम्र कहते हैं। तीसरी बात करेंगे मध्य बचपन की, जिसको स्कूली उम्र कहते हैं। और चौथी बात करेंगे किशोरावस्था के विकासात्मक चरणों की बात करेंगे बंधु, है ना। तो बाल विकास की परिभाषाओं में पहले विकास की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुनरो के अनुसार मुनरो जी क्या कहते हैं, ठीक है। मुनरो जी जो है बाल विकास की क्या बात करते हैं वो बताते हैं कि यह एक ऐसी परिवर्तन श्रृंखला है जिसमें भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे विकास कहा जाता है। और हरलॉक जी कहते हैं, देखिए स्टेटमेंट बहुत पूछता है बंधु, ठीक है। तो विकास का मतलब बढ़ते रहने से नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप इंसान में विशेषताएं और योग्यताएं जो है वो स्पष्ट होती हैं, ठीक है। और ड्राइवर साहब कहते हैं कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार केंद्रित होता है, उदाहरणार्थ किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। बाल विकास की अवधारणा में सबसे पहले बचपन को समझना होगा और मानव विकास में उम्र के विभिन्न चरणों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। विकासात्मक रूप से यह बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि को दर्शाता है। अगला पॉइंट है कि सामान्य शब्दों में बचपन को जन्म से आरंभ हुआ माना जाता है, या यूं कहें कि भ्रूणावस्था ही आपका जो है ना वो वहीं से विकास आपका चालू हो जाता है। तो अब धारणा के रूप में कुछ लोग बचपन को खेल और मासूमियत से जोड़कर देखते हैं जो किशोरावस्था में समाप्त होता है। कई देशों में एक बालिग होने की उम्र होती है जब बचपन आधिकारिक तौर पर समाप्त होता है और व्यक्ति कानूनी तौर पर वयस्क हो जाता है। यह उम्र 13 से 21 के बीच कहीं भी हो सकती है और 18 सबसे आम है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब देखते हैं बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें नवजात शिशु का सामान्य भार जो होता है शिक्षक बंधु, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, ये 7.5 पौंड होता है, लंबाई 19.4 इंच होता है। श्वसन की क्रिया रोने से प्रारंभ होती है और आरंभिक 15 दिन से के बाद शिशु का रंग अस्थायी हो जाता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे तो शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, मानसिक क्रियाएं, ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी क्रियाएं 3 वर्ष तक कार्य करने लगती हैं। सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है और गैसेल का मानना कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों का 2 गुना सीख लेता है, ठीक है। तो ये आपका आज का पहला दिन का क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था बंधु। हम लोग कल से और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे और याद रखिएगा कि हम लोगों का जो कंटेंट है अभी तक जहां भी पढ़ाए हैं, बीपीएससी हेडमास्टर बिहार में भी हम लोगों ने पढ़ाया, तो हम लोगों का पढ़ाया हुआ शिक्षा शास्त्र से जो है 45 क्वेश्चन डायरेक्ट आया एग्जाम में। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप निश्चित तौर पर हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,